नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज जिले मांडा क्षेत्र के भवानीपुर गांव के वोटर लिस्ट में बीएलओ द्वारा भारी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां भवानीपुर गांव के कई मतदाताओं ने एसडीएम मेजा को शिकायती पत्र देकर गड़बड़ी दूर किए जाने की मांग की है। आरोप है कि बीएलओ प्रमोद कुमार के मिलीभगत से जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया गया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि भवानीपुर गांव के जीवित दो व्यक्तियों को मृत दिखाकर मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सूची से बाहर करने का मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि मंगलवार को भवानीपुर गांव के दर्जनों मतदाताओं ने एसडीएम मेजर रेणु सिंह को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि बीएलओ ने जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करते हुए मतदाता सूची से नाम काट दिया है। भवानीपुर गांव के वार्ड संख्या 6 मकान संख्या 15 मिन्ना पुत्र नचकौवा, वार्ड संख्या 10 मकान संख्या 20 संगम लाल पुत्र अमृत लाल को मृत दिखाकर मतदाता सूची से बाहर कर देने का आरोप है। गांव की हमको मृतक घोषित किया गया है। भवानीपुर ग्राम सभा रहने वाला हूं मैं, और बीएलओ ग्राम प्रधान बीडीओ इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारे को मतलब वोटर बनाया जाए। कितने आदमियों के साथ ऐसा हुआ है? 40 आदमियों के साथ। 40 आदमी साथ। क्या नाम है आपका? संगम लाल। कौन सा तहसील है? मेजा। ग्राम पंचायत कौन सा है? भवानीपुर। भवानीपुर। किसकी एप्लीकेशन कहीं दी आपने? हाँ, एसडीएम की। हाँ, मुर्दा लिखा है। मुर्दा लिखा दिया गया है। प्रधान लिखा है। प्रधान अशोक कुमार। अच्छा, कौन से गांव के प्रधान है वो? भवानी। भवानी। ऐसा कितने आदमियों के नाम कटे हैं? 40। 40 आदमी के नाम काट दिए। क्या नाम है आपका? मीना लाल। इसी शिकायत आपने कहीं करी? आई है। भवानीपुर ग्राम पंचायत के चंद्रमणि मिश्र, रिंकू कमलेश, अजय कुमार, वीना, दिनेश कुमार, सावित्री मिश्र, ब्रजेश कुमार, भोलानाथ, आंचल, विद्याशंकर, अंकित, निशा देवी, स्नेहलता, आशा देवी, अवधेश कुमार आदि ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। मतदाताओं ने बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इतना ही नहीं, मतदाताओं ने चेतावनी दी है कि अगर बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। प्रयागराज से बुद्धिसेन विश्वकर्मा की रिपोर्ट।